देखिए यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसमें मेरी मम्मी एडमिट है, उनके लिए मैं क्या रात में 7 बजे शाम को मैं उनके लिए जूस लेने जा रही थी किसी की मार्केट में, वहाँ से जस्ट मैं आ रही थी तो कमिश्नर ऑफिस है उनके सामने ही, वहाँ से निकल के एक कमिश्नर रेजिडेंसी पड़ती है उसकी जस्ट थोड़ा हुआ एक आदमी आया, उसकी एज 35-40 के करीब होगी, ब्लैक कमीज पहना हुआ था और कुछ छोटे छोटे कलर बाल थे, वो आया मेरे साथ बदतमीजी की, मिसबिहेवियर किया और मेरी गोल्ड की चेन लेके और इधर पुलिस कमिश्नर ऑफिस की साइड भागा। मैंने शोर भी मचाया, उस टाइम वहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस उधर की साइड भागा, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर पे वेटिंग में जा रहा था, कोई कॉल नहीं मिला। उसके बाद मैंने 1091 पर 3 बार कॉल किए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम 2 पुलिस वाले या जो भी है आप वहाँ वेट करो हम भेजते हैं। फिर आंखिर चौक है इधर 5 मिनट की दूरी पर है किसी से, वहाँ से 2 पुलिस वालों का फ़ोन मुझे आया। मैंने उनको 5 मिनट लगते इधर आने में क्योंकि रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, बट उनको आने में 1/2 घंटा लग गया। मैंने उन्हें मुझे रास्ता बताना पड़ रहा है बार बार कॉल करके कि आप कहाँ खड़े हो आप कहाँ खड़े हो, वो घूमते रहे, वो मेरे पास तक टाइम पर नहीं पहुँचे। उसके बाद उन्होंने आके मुझे जस्ट इतना बोला कि ये हमारा इलाका नहीं है, हम 21 वालों को कॉल करेंगे और तब तब देखते हैं। तभी मैंने हनीफ कुरैशी जो है यहाँ के कमिश्नर हैं उनको मैंने कॉल की, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और यहाँ पर हुआ है और मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ, आप इस पर कोई एक्शन लीजिए। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम कुछ करते। देन उसके 15-20 मिनट बाद 21 की पुलिस मेरे पास फ़ोन करके पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। ठीक है, फिर 5 मिनट बाद वो मेरे पास आते हैं, सबने मेरे से पूछा क्या हुआ, ओके। देन सभी के सभी जो पुलिस बाइक पर आई थी कार में आई थी, सब के सब एक साथ बाइक उसके कार में भर के वो लोग उधर 21 की कैफाई चले गए और उन्होंने बोला कि अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, और कोई एक्शन नहीं हुआ, बस इतना पूछ के उन्होंने बोला कि आप चले जाओ यहाँ से। तो इस दौरान और किस किस को अपने फ़ोन किया मदद के लिए? मैंने दोबारा 1091 पे फ़ोन किया, उनको बोला कि तब तक इतना प्रॉब्लम हो जाएगा आप जल्दी से जल्दी आइए। और एक और बात, उनके साथ पूरा टाइम जो भी वारदात हुई है, जो जितने भी लोग मुझसे मिलने आए पुलिस में से या मैंने कमिश्नर साहब को जो कॉल किए, उसके बाद आशा मोदी जी को भी कॉल किए, बात हुई है सबके साथ, कोई भी महिला मतलब पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी नहीं आई थी, महिला कोई भी नहीं थी जिसको मैं बता सकूँ कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी। रात को भी जब उन्होंने जो चौकी इंचार्ज मेरे पास आए थे वो भी एक पुलिस वाले थे और इंचार्ज वो, उनको मैंने पूछा भी कि आपके साथ महिला कहाँ है, मेरे को जो दुर्घटना हुई मैं किसको बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने बोला कि फ़ोन पे बात कर लो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इलाका किसी का भी हो, ये आम आदमी को आम जनता को नहीं पता, आप जहाँ पर हो जो भी पुलिस वाला वहाँ पर है वही एक्शन ले। अब महिला पुलिस के लिए, महिला अगर कोई परेशानी है तो वो जो पुलिस है उसमें महिलाएं होनी चाहिए, चाहे रात को 2 बज रहे हो चाहे 1 बज रहे हो, महिला अपनी प्रॉब्लम महिला को ही बता सकती है।